बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, वेलकम टू दिस चैनल इकरा हुफाज एजुकेशन सिस्टम कराची। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। इट इज़ द चैप्टर नंबर 4 ऑफ योर बुक। एज यू नो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डेटा कम्युनिकेशन और कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बात करेंगे। डेटा कम्युनिकेशन वो अमल है जिसमें मालूमात को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता है, जैसे कि ईमेल। ईमेल के ज़रिए हम अपना डेटा भेजते हैं यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पर। ठीक, अब जितने भी डिस्टेंस हो इजीली हम डेटा कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक, इस तरीके से वीडियो कॉल्स के ज़रिए भी हम डेटा भेज सकते हैं। ठीक है, इस तरह मैसेजेस के ज़रिए, और इसके लिए डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल होता है, वो मज़ीद आपको मैं आगे फिर समझाऊँगा। ठीक है, बेसिक्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन अब मज़ीद आपको मैं एक्सप्लेन करता चलूँ, कम्युनिकेशन डेटा आपको मज़ीद और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग मैसेज। हम जो मैसेज आपस में शेयर करते हैं, ठीक, उस प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझसे बात करेंगे, या मैं किसी फ्रेंड से किसी से बातचीत आपस में कर रहा हूँ, उसे हम क्या कहेंगे, मैसेज शेयर कर रहे हैं आपस में, तो उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक, और आसान वर्डिंग में आपको मैं समझा देता हूँ। अ कन्वर्जेशन बिटवीन टू पीपल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब दो लोग, जैसे आपको आपसे मैंने कहा कि दो लोग आपस में कन्वर्जेशन गुफ्तगू करें, वो कौन सी किसकी मिसाल होगी, कम्युनिकेशन की एक मिसाल ये भी है। ठीक है, अब इस तरीके से हम तो डेटा कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस क्या होती है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस, जैसे मैं बता चुका हूँ आपको, लाइक ईमेल एंड इंस्टेंट मैसेजेस एंड फोन कॉल्स आर एग्जांपल्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। अब मिसाल के तौर पर डेटा कम्युनिकेशंस के लिए हम डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, डिफरेंट एप्लीकेशंस का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ईमेल्स हो गया। ठीक है, मैसेजेस के लिए व्हाट्सअप वगैरह, तमाम फ़ोन कॉल्स हम करते हैं। ठीक है, एक नेटवर्क बना होता है, एक डेटा कम्युनिकेशन होती है, आपस में हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से डेटा कम्युनिकेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ डिजिटल मैसेजेस बिटवीन टू डिवाइसेस। अब डेटा कम्युनिकेशन जो डिजिटली मैसेजेस बिटवीन, मतलब दो डिवाइसेस के दरमियान में हम अपने मैसेजेस डिजिटली भेज सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे जो हमारे कंप्यूटर होते हैं वो डिजिटल डिवाइस है, फ़ोन जो है वो डिजिटल डिवाइस है। ठीक है, इस तरीके से हम इसके ज़रिए भी हम डेटा एक्सचेंज, डेटा ट्रांसफ़र या डेटा सेंड कर सकते हैं, कम्युनिकेट आपस में कर सकते हैं। ठीक, इसी तरीके से इट इन्वॉल्व्स अ सेंडर एंड अ रिसीवर विच कम्युनिकेट वीअ सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम सच एज अ केबल। ठीक है, अब इसी तरीके से एक सेंडर एक रिसीवर होता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कोई डेटा शेयर कर रहा हूँ, किसी से बातचीत में कर रहा हूँ, किसी को ईमेल कर रही है, किसी को मुझे व्हाट्सअप मैसेज करना हो, तो उनके पास भी वो डिवाइस होनी चाहिए। ठीक है, मैं सेंडर हूँ, रिसीवर मतलब जहाँ जिसको मैं भेज रहा हूँ उसको, वो हो जाएगा रिसीवर। वो कुछ मीडियम के थ्रू एक से दूसरी जगह हमारा मैसेज पहुँचेगा, ट्रांसमिशन मीडियम होगा, ऑफ कोर्स केबल हो सकता है। ठीक है, हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वायरलेस यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, जिसके ज़रिए हमारा जो मैसेज एक से दूसरी जगह ईजली और विद इन अ सेकेंड, माइक्रो सेकेंड में जा सकता है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा और पीछे लेकर चलूँ कि डेटा कम्युनिकेशन किस तरीके से बना, कहाँ से कब बना, और क्यों ये डेटा कम्युनिकेशन की जो मतलब ये पेश आया कि हिस्ट्री मतलब किस तरीके से है। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ डेटा कम्युनिकेशन क्या है, तो आपको मैं ये बताते चलूँ कि सैमुअल मोर्स 1830 में एक डिवाइस बनाई थी जिसका नाम जो था इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ के नाम से थी। ठीक है, टेलीग्राफ की जो ईजाद 1830 की दिहाई में सैमुअल मोर्स ने की। ये पहली डिवाइस थी जो दूर दराज मकामात के दरमियान तेज़ी से पैगाम भेजने के काबिल थी, और ये जो थी वायर के ज़रिए थी, मतलब तार के ज़रिए, मतलब इसकी कम्युनिकेशन थी, एक से दूसरी जगह मैसेज सेंड करना, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन का बहुत अच्छी डिवाइस थी।
और जिससे मतलब डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना और फिर इजीली एक से दूसरी जगह मैसेज सेंड करना, अपना डेटा सेंड करना। आप ये देख सकते हैं दोनों डायग्राम्स बनी हुई हैं और इसके अंदर जो सैमुअल मोर्स ने बनाई थी इस तरीके से, इसके अंदर अल्फ्रेड वेल जो उसने मोर्स को डेवलप किया था जिसके ज़रिए वो डेटा कम्युनिकेट करते थे। ठीक है, मज़ीद आपको फिर और भी इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद इसके बारे में बता रहा हूँ कि इसकी क्या एग्जांपल्स है डेटा कम्युनिकेशन की जो हम लोग आजकल इस्तेमाल करते हैं। ठीक, इसी तरीके से सबसे बड़ी एग्जांपल जो है हम डेटा कम्युनिकेशन की ईमेल एंड मैसेजिंग, ईमेल जो हम करते हैं, ठीक, ईमेल जो हम करते हैं वो एक एग्जांपल है किसकी, डेटा कम्युनिकेशन की। अब मैं थोड़ा सा मैं पढ़ लेता हूँ फिर मज़ीद आपको। जैसे ईमेल में हम कोई सी भी सेंड करते हैं, कोई डेटा किसी दूसरी जगह इजीली हम सेंड कर सकते हैं विद इन अ सेकंड, माइक्रो सेकंड में। फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान से यूके कोई चीज़ भेजना चाह रहा हूँ, कोई फाइल सेंड करना चाह रहा हूँ, तो ठीक है, तो ईज़ली यहाँ से वहाँ तक वो हमारा जो डेटा है वो ईज़ली पहुँच सकता है। ठीक है, इस तरीके से मैं पढ़ लेता हूँ। सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स इन्वॉल्व्स डेटा कम्युनिकेशन अक्रॉस द इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट के जरिए हमारा डेटा सेंड होता है। ठीक है, और व्हेन यू सेंड एन ईमेल इट इज़ ट्रांसमिट ओवर अ नेटवर्क ऑफ सर्वर्स यूजिंग प्रोटोकॉल्स। मतलब एक सर्वर के जरिए हम, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से यूके तक मैसेज करना हो, ठीक है, या कोई ईमेल करनी हो, ठीक है, वो बीच में एक सर्वर होता है, वो सर्वर ही क्या करता है कि यहाँ से वहाँ तक हमारा मैसेज पहुँचाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं, हमें कोई चीज़ ऑर्डर करनी होती है, जो हमारा वेटर होता है, हम उसे अपना ऑर्डर करते हैं, फिर वो आगे फॉरवर्ड करके फिर वो हमारे बीच में एक सर्वर, मतलब हमारा मैसेज एक से दूसरी जगह पहुंचाता है। इस तरीके से सर्वर्स जो होते हैं वो जस्ट लाइक वेटर्स होते हैं, वो हमारे मैसेज एक से दूसरी जगह पहुंचाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इस तरीके से सब चीज़ जो मैसेजिंग जो आजकल सबसे बड़ी डिवाइस या टूल है वो व्हाट्सअप है। एप्लीकेशन लाइक व्हाट्सअप, टेलीग्राम एंड सिग्नल यूज डेटा कम्युनिकेशन टू एक्सचेंज टेक्स्ट वॉइस मल्टीमीडिया मैसेजेस इन रियल लाइफ। मतलब ये व्हाट्सअप बहुत ज़बरदस्त टूल है, आप सब इस्तेमाल यकीनन करते होंगे। ठीक है, तो इसके ज़रिए हम अपना डेटा मतलब एक नेटवर्क है पूरी दुनिया में बना हुआ है। ठीक है, हम इजीली वीडियो मैसेजिंग वगैरह ये तमाम काम हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से वेब ब्राउजिंग, वेब ब्राउजिंग आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से वेब ब्राउजिंग हम करते हैं। ठीक है, और इसके जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, हम कोई लिंक के ज़रिए कोई हम किसी से लिंक कॉपी करते हैं, फिर वहाँ हम पेस्ट कर देते हैं, उसके ज़रिए हम कोई भी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं, उस सर्वर के थ्रू वो डेटा आपके सामने आ जाता है। ठीक है, अब इसमें HTTP और HTTPS का इस्तेमाल होता है प्रोटोकॉल्स में। आपको पहले ही बता, HTTP जो है ज़्यादा सिक्योर नहीं होती, HTTPS ज़्यादा सिक्योर होती है। ठीक है, तो इसके ज़रिए हम डेटा सर्च कर सकते हैं और वो वेबसाइट से किसी भी दुनिया के किसी भी कोने से हमारे सामने वो डेटा आ सकता है। तो वेब ब्राउजिंग जो हम करते हैं गूगल वगैरह में, गूगल क्रोम में, ठीक है, या बाकी जितने भी वेब ब्राउजिंग जो सॉफ्टवेयर से उसमें हम करते हैं, वो क्या है, वेब ब्राउजिंग भी एक एग्जांपल है किसकी, डेटा कम्युनिकेशन की। इसी तरीके से सोशल मीडिया सबसे पावरफुल टूल है डेटा कम्युनिकेशन का। ठीक है, और इस तरीके से हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मैं ये कहता हूँ भाई, आजकल हमारी ज़िंदगी सोशल मीडिया के अलावा, सोशल मीडिया अगर हम इस्तेमाल ना करें तो हमारे दिन ही नहीं गुजरता। हम सोशल मीडिया कोई ना कोई इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह, तो हम इजली पूरी दुनिया से कनेक्ट होते हैं और इजली हम डेटा एक्सेस करते हैं, इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। ये तमाम कमाल किस्से हैं डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क का। तो आपकी कंप्यूटर का नेटवर्क है, एक नेटवर्क बना हुआ है फेसबुक का, किसी के भी हो, ट्विटर का, इंस्टाग्राम का, ठीक है, इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, हम शेयरिंग कर सकते हैं और कोई लाइव मैच हम डायरेक्टली देख सकते हैं। फिर एक टीवी हुआ करता था, लेकिन आजकल डेटा कम्युनिकेशन की डिवाइसेस इतनी आ चुकी हैं और इतने टूल्स आ चुके हैं, तो हम फौरन ईजीली अपने मोबाइल फ़ोन में तमाम मैचेस हो या फुटबॉल मैच हो या क्रिकेट हो ईजीली देख सकते हैं। ट्विटर के ज़रिए हम पूरी दुनिया से जो क्या न्यूज़ है, पॉलिटिकल हो या स्पोर्ट्स न्यूज़ हो, हम ईजीली एक्सेस कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क का। ठीक है,
अब इसी तरीके से ऑनलाइन बैंकिंग एंड ई कॉमर्स। ऑनलाइन बैंकिंग का मतलब पहले जैसे जैसे 30-40 साल पहले की एग्जांपल ले लें, हम बैंक्स में जाके अपने बिल वगैरह जमा करवाते थे, लेकिन आजकल क्या है, आजकल हम ऐप के ज़रिए अपने बिल वगैरह पे कर सकते हैं, फीस भरवा सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम अपने जो अमाउंट, अपने जो पैसे वगैरह एक से दूसरी जगह बैंक में सेंड कर सकते हैं, ठीक है। ये सैम्पल ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह की ये है। और ई कॉमर्स की जो वेबसाइट्स है, जैसे मिसाल के तौर पर हम दुकानों में जाके वो चीज़ें लिया करते थे, अब अमेज़ॉन हो गया, या ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जो दराज़ है, तो ये तमाम क्या है, डेटा कम्युनिकेशन कंप्यूटर नेटवर्क का एक बहुत बेहतरीन मिसाल है, ठीक है। अच्छा, जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट लेक्चर नंबर 1 का जो है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। अब डेटा कम्युनिकेशन के लिए बेसिक इस्तलाहात, टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है इस्तलाहात, जो टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं वो तकरीबन 8 है टोटल, ठीक है। डेटा, डेटा ट्रांसमिशन, डेटा, डेटा कम्युनिकेशन, डेटा ट्रांसमिशन, एनालॉग सिग्नल्स, डिजिटल सिग्नल्स, डेटा रेट, बिट रेट, बॉड रेट, सिग्नल टू नॉइस रेशियो, ये तमाम है। ये तमाम आपको एटलीस्ट क्या करना है, सबसे पहले इसको, इन तमाम टॉपिक्स को पढ़ना है, फिर लिखना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मेरी क्लास होगी इस पर होगी, तो आपको पहले से ही नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आपको पहले ही मैंने बता चुका हूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। क्लास 9 के हवाले से इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इससे काफ़ी पेपर में आता है, ठीक है। अभी तमाम काम क्या करना है, पहले इसको, इन तमाम टॉपिक्स को पढ़ना है, फिर लिखना है, ठीक है। फिर इंशाल्लाह मैं अगले जब लेक्चर में समझाऊंगा तब वो अच्छे तरीके से समझ में आ सकता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।